किस तरीके से आप अपनी यूपीएससी की जर्नी के दौरान ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स क्या हैं उसके लिए। हेलो, वेलकम टू योजना आईएएस। माई सेल्फ किरण गराकोटी एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपनी यूपीएससी की जर्नी के दौरान ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स क्या हैं उसके लिए। तो देखिए, पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्टली रिलेशनशिप, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में ही दिक्कत आती है, बिकॉज सभी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं वो मोस्टली यंग स्टूडेंट्स ही होते हैं, जो हम देख पा रहे हैं एस्पिरेंट्स या तो ग्रेजुएटेड होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएटेड। तो इसमें ये रहता है कि बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट फोकस प्रिपरेशन तो करो, एटलीस्ट एक बार, है ना। तो इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चा यूपीएससी में भी ध्यान नहीं लगा पाता, बुक्स पढ़ता नहीं है, आलतू फालतू चीज़ों में ध्यान उनका चले जाता है मोस्टली। मैं सबके लिए नहीं बोल रही, बट कुछ स्टूडेंट्स जो इसको भी ऑब्स्टिकल्स मानते हैं, क्योंकि होता है ये, ठीक है। सेकेंड जो मेरा रहेगा, नो प्लान बी। इसका मतलब है मोस्टली बच्चों को हमने देखा है कि वो प्लान ए और प्लान बी दोनों लेके चलते हैं कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो हम कुछ और कर लेंगे। तो ये नहीं करना, इनिशियली आपको यूपीएससी को फर्स्ट प्रायोरिटी लेके चलना है और यूपीएससी ही करना है, तभी यूपीएससी निकलेगा। अगर आप प्लान बी पहले माइंडसेट कर लेंगे तो थोड़ा यूपीएससी निकलेगा, तो आपके दिमाग में होगा कि इनकेस यूपीएससी नहीं निकला तो हम ये कर लेंगे। बट इनिशियल डेज में आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में जाएं और एलाइड सर्विसेज आपको मिले, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हमेशा यूपीएससी को रखना। एटलीस्ट एक या दो बार तो फुल्ली 100% लगा के अपना प्रिपरेशन करना। अगर उसके बाद नहीं निकलता है इन एनी केस, तब प्लान बी की तरफ आप देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आपको यूपीएससी करना है, यूपीएससी का दिमाग, यूपीएससी का माइंडसेट बनाओ और यूपीएससी ही निकालो, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेस, देखिए जो न्यू कमर्स हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे सोर्सेस इकट्ठे कर लेते हैं इंटरनेट से, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स वो लेकर आ जाते हैं और बहुत सारे सोर्सेस अपने सोर्सेस को वाइड करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना, लिमिटेड सोर्सेस यूज़ करो, कोशिश करो कि जितने कम सोर्सेस यूज़ कर पाओ। सबसे कम इसका ये बेटर तरीका है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं तो सबसे पहले आप उनके नोट्स को रिवाइज करो, क्योंकि वो आप उन्हें सोच समझ के बनाए। बाद में आप रेफरेंस बुक्स इवन प्रेफर करो जब आपके रिवीजन बिल्कुल 100% हो जाती है नोट्स से, ठीक है। इसके अलावा बेस अपना बिल्कुल स्ट्रांग रखना, अदरवाइज ऑब्स्टिकल आए गई। आप अगर ज्योग्राफी विदाउट 11 12th के एनसीईआरटी के आप ज्योग्राफी पढ़ने लग गए तो नहीं निकलेगा यूपीएससी, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए तो 9 10th 11 12th के एनसीईआरटी मस्ट है। एटलीस्ट 11 12th की तो बिल्कुल पढ़नी ही चाहिए, अदरवाइज ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अवॉइड करो। देखो, मोबाइल फ़ोन का तो ये है कि अगर आपने एक बार फ़ोन हाथ में लिया तो वो छूटता नहीं है इतनी जल्दी। आपको भी पता है सोशल मीडिया में अगर आप एक बार ये भी सोच के चलाते हैं कि 5 मिनट मुझे बस देखना है, तो भी उसमें 15 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आप आधा घंटा लेके चलेंगे तो फिर वो तो टाइम कंज्यूम होते रहेगा सोशल मीडिया में, ठीक है। तो सोशल मीडिया को भी अवॉइड करना, मोबाइल को भी अवॉइड करना, शादी पार्टीज़ भी अवॉइड करना। मुझे पता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, बट देखिए अगर आप 1 से 2 साल बिल्कुल फोकस होकर प्रिपरेशन करते हैं तो फिर शादी पार्टी जैसा तो कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके बिल्कुल घर में ही शादी है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, उसके लिए ये है कि आप इंजॉय कर लो उस टाइम, बट उसको आप रिकवर कर लेना, ठीक है। अदरवाइज शादी पार्टी अवॉइड करो बिल्कुल। अब ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड कैसे करना है, सोर्सेस को लिमिटेड करो। जो आप वाइड सोर्सेस करते हो उसकी एक फर्स्टली PYQs पढ़ लो यूपीएससी के लिए, बुक लिस्ट बनाओ, टॉपर्स की बहुत सारी होती हैं बट सारी नहीं बनानी, ठीक है।
अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग देखना कि आपकी तरीके से कुछ सिमिलैरिटी मिल जाए, अदरवाइज बुक लिस्ट आपको कॉमनली मिल जाएगी। उस बुक लिस्ट को बनाने के बाद आप अपनी लिमिटेड सोर्सेस, इससे आपकी लिमिटेड सोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है, उन्हीं सोर्सेस को यूज़ करना, ठीक है। फोकस करना अपनी प्रिपरेशन पे, अगर फोकस नहीं करोगे तो माइंड डाइवर्ट होगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि फोकस होके प्रिपरेशन करें, जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें कॉन्टिन्यूएशन में, और एक भी अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखना पढ़ाई के लिए, डेडिकेशन दिखाना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर अपने मेंटोर से डिस्कस करना ताकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसी टाइम ख़त्म हो जाए, क्योंकि आगे अगर आएगी तो वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। टाइम मैनेजमेंट करना, अगेन टाइम मैनेजमेंट करना, फिक्स मत करना। देखिए, टाइम मैनेजमेंट और टाइम फिक्स करने में डिफरेंस है। अगर आप टाइम मैनेज करते हैं तो इसमें ये होता है कि मान के चलो कि हमने सोचा कि हम 2 आवर्स पढ़ेंगे पॉलिटी, ठीक है, ये हमने कर दिया कि हमें 2 आवर्स पॉलिटी पढ़ना है, जिसमें हमें 30-40 पेजेस पॉलिटी के पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये 2 आवर्स टाइम मैनेजमेंट है, बट अगर आप ये कर दोगे कि ये मॉर्निंग में 6-8 पढ़ना है या फिर 8-10 पढ़ना है, तो वो टाइम फिक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर आप इस टाइम पे कहीं पे बिजी हो गए 1 मिनट के लिए भी, तो आप इसे स्किप ही कर दोगे टाइम को। तो ये नहीं करना, ये लेके चलना कि इतने घंटे ये पढ़ना है, उसमें इतने पेजेस पढ़ने हैं। पेजेस का अगर आइडिया लगा पाओ तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इससे टाइम आपका कंज्यूम होता है, ठीक है, यूटिलाइज हो जाएगा अच्छी जगह। तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करना, यही पूरा खेल है। जिसने टाइम मैनेज कर लिया उसका तो UPSC निकल ही जाना है, ठीक है। तो कोशिश कर रहा टाइम मैनेजमेंट कर पाओ, लिमिटेड सोर्सेस यूज़ कर पाओ, एंड अगर आपको आगे कोई भी दिक्कत आती है जर्नी में तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल करेंगे 8595391135 पे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info@yojnais.com पे। एट द एंड ऑफ द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।